केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले को जहां काफ़ी महत्वपूर्ण इस नज़रिए से माना जा रहा है, क्योंकि कई राज्यों में अलग अलग वजहों से आरक्षण की मांग की जा रही है। खासतौर से हरियाणा में जाट आरक्षण विवाद काफ़ी चर्चित हुआ है, लिहाजा केंद्र सरकार के इस फैसले को आरक्षण की मांग से जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनाने के लिए कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग यानी NSEBC को संवैधानिक इकाई के रूप में स्थापित करने के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार अब इसके लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाएगी। मोदी कैबिनेट का ये फैसला हरियाणा के चर्चित जाट आरक्षण विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जाटों ने आरक्षण के लिए हरियाणा की खट्टर सरकार और केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बना रखा है। अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग को वैधानिक दर्जा मिला हुआ था, लेकिन सरकार के इस फैसले और नए आयोग को मंजूरी के साथ ही जब इसको संसद में मान्यता मिल जाएगी तो संविधान संशोधन विधेयक के बाद इसको संवैधानिक दर्जा भी मिल जाएगा। संवैधानिक दर्जा मिल जाने के बाद आयोग किसी जाति को पिछड़े वर्ग में जोड़ने और हटाने को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेज सकता है। इसमें संवैधानिक सैंक्टिटी, संवैधानिक उसकी जो विरासिटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी, और जुडिशियल जो स्क्रूटनी है उसमें भी संभावना ये है कि जो भी काम वो बॉडी करेगी जिसको संवैधानिक दर्जा मिलेगा तो उसके काम की न्यायिक प्रक्रिया में उसकी जो सोच है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाएगी, उसके फैसले ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाएंगे, उसका सर्वेक्षण और उसकी जो सर्वे है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाएगी, तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जाहिर है नया सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने के सरकार के इस फैसले के काफ़ी दूरगामी असर पड़ेंगे, क्योंकि इसको संवैधानिक दर्जा हासिल होगा और इसको कई बड़ी ताकतें मिलेगी। साथ ही इससे उन राज्यों में जहां आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन चलते रहे हैं, चाहे गुजरात का पटेल आंदोलन हो या फिर राजस्थान का गुर्जर आंदोलन, साथ ही हाल ही में चर्चित हुआ हरियाणा का जाट आरक्षण विवाद, जाहिर सी बात है ऐसे में ये नया वर्ग आयोग अब इन उम्मीदों को पूरा करता दिखेगा जो इस वर्ग विशेष की जुड़ी रही हैं। और सरकार ने इस आयोग को मंजूरी देकर ये तो साफ कर दिया है कि वो अब इस पूरे मसले को ज़्यादा देर लटकाना नहीं चाहती थी। लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी कि नया सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाए जिसको संवैधानिक दर्जा मिले, यानी संसद में ही कानून बने जिसको मान्यता हो और जिन जातियों को यहाँ पर शामिल किया जाए उसको कोर्ट खारिज ना कर सके। कैमरामैन विद्या बड़ी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।